For information on the news around you, keep watching FaceTalk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। कैमरे हमारे, विचार आपके, और मैं आ पहुंची हूँ अफजलपुर गांव में। यहाँ के भावी प्रत्याशी से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जो कि युवा है और युवा वाली सोच रखते हैं। तो आपका वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित मावी है जी। आपके गांव का नाम? अफजलपुर। अफजलपुर जी। तो आप पहली बार प्रधानी लड़ने के चुनाव, प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं? जी मैम। अच्छा, आपने ऐसा फैसला क्या सोच कर लिया कि इस बार मुझे प्रधानी के चुनाव लड़ने चाहिए? कि हमारे गांव में है ना कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले प्रधान ने ना करा पाए। अच्छा। युवा सोच रखते हुए तो मैं जो बच्चों में देख रहा हूँ अपने आस पास के क्षेत्रों में, तो वो जो पिछले प्रधान ना करा पाए उसके लिए हम युवा आगे आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे कौन से कार्य जिसको आप अपने कार्यकाल में ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले है कि खेल का मैदान हो गांव में। हाँ। जिससे बच्चे फौज की या किसी भी फोर्स की तैयारी कर सके, उनका आने वाला कल उज्जवल हो। जी मैम। हाँ। और लाइब्रेरी हो जिससे बच्चे पढ़े और अच्छा अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। अच्छा। शिक्षा को लेकर भी आप कार्य करने वाले? जी मैम। आपके स्कूल में शिक्षा केंद्र कहाँ तक का? मैम हमारे यहाँ पे 8वीं क्लास तक है शायद। 8वीं तक? जी। तो आगे की शिक्षा के लिए गांव की जो लड़कियाँ हैं जी जी दूसरे गांव में जाती हैं? जी मैम, यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर जाती हैं। 5 किलोमीटर दूर? जी। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारा ये 8वीं तक का स्कूल है इसे 12वीं तक कराया जाए। तो गांव के बच्चे यहीं रहें, यही रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित जी, रहे। जी, और जिस तरह की वारदातें आजकल बढ़ रही हैं जी, जी, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जी, कोई नहीं चाहता। जी मैम। हम भी यही चाहते हैं कि अपने गांव में, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने गांव में रहें और सुरक्षित रहें। जी जी बिल्कुल। शिक्षा को लेकर आप कार्य करेंगे? जी मैम। खेल के मैदान को लेकर करेंगे और सफाई को लेकर भी कुछ कार्य आपके बाकी होंगे? जी मैम। सफाई को लेकर भी जो हम जागरूक कर रहे हैं गांव वालों को, भी पहले से भी करते आए हैं, तो सफाई के माध्यम जैसे जोड़ हो गया, मतलब तालाब हो गए, उनकी सफाई का, जो नाली है या खरंजे है उनकी सफाई का भी हम कार्य कराएंगे अपने कार्यकाल में। जी मतलब सफाई पहला हमारा कार्य होगा गांव में कराने के लिए, सफाई को लेकर। जी जी। सुलभ शौचालय तो मैंने आपके गाँव में लगभग देखा ही नहीं, ऐसा क्यों? मैम सुलभ शौचालय 90% शायद है हमारे गांव में। मैं अभी जो जहाँ से हमने प्रवेश किया आपके गांव में, जी जी, हमने एक भी नहीं देखा। स्कूल पे बना हुआ है मैम, दूसरे वाले रास्ते पे। जी जी। अच्छा, एक ही बना हुआ है? हाँ जी जी। पूरे गांव में कितने हैं? पूरे गांव में मैम जो अच्छा सार्वजनिक है, लेकिन जो पिछली जो योजना आई थी ना उसमें भी कम से कम 60-70% है, और बाकी जो बचे कुछ है ना उन्हें सब उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कितनी जनसंख्या है आपके गांव की? मैम 2100 के आसपास है। 2100 के जी करीब है जी। तो आप इस बार जो चुनाव लड़ने वाले हैं, युवा सोच रख के जी और युवा के हित में रहकर कार्य करने की क्षमता रखते हैं जी मैम बिल्कुल, आप किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को? मैम मैंने सबसे पहले जो अभी मैंने रणनीति आपने बनाई जी युवा इकट्ठे करके, मैंने उनसे लाइब्रेरी की, सबसे सर्वप्रथम जो लाइब्रेरी हमारे गांव में, क्योंकि हमारे आसपास के गांव में ना बहुत लाइब्रेरी है हर गांव में ज्यादा से ज्यादा, तो बच्चे फोर्स में जा रहे हैं हमारे गांव को छोड़कर। अच्छा। तो मैं उनको उत्साह बना रहा हूँ उनका कि भाई लाइब्रेरी बनेगी, खेल का मैदान होगा, जो पढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपने फोर्स में जाए और गाँव का उज्ज्वल भविष्य हो। जी शमशान के रास्ते की भी बात चल रही है, उस शमशान के रास्ते सबसे ज्यादा जो दिक्कत है हमारे गांव के लोगों को शमशान के रास्ते पे होती है कि उसका रास्ता है नहीं, बन तो गया है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है उस पे, तो उसका भी निर्माण सबसे पहले होगा। चलिए तो ये थी आपके कार्य को लेकर सोच जी। क्या ऐसे कोई कार्य रह गए हैं पिछली योजना में जिनसे आप संतुष्ट ना हो? जी मैम। जैसे? मैम पिछली योजना में बड़े बुजुर्ग जो हैं, विधवा महिलाएं, विकलांग हैं, उनकी पेंशन काट दी गई है, उनके राशन कार्ड जो गरीब है उनके काट दी गए हैं। राशन कार्ड जो है वो प्रधानी के अंतर्गत आता है? जी मैम, मतलब आता भी ना होगा लेकिन आता होगा तो मैं सर्वप्रथम वो करवाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत से बड़े बुजुर्ग मुझसे मिले हैं कि हमारी पेंशन काट दी गई है या हमारे राशन कार्ड दिए गए हैं,
तो उस वो पिछले प्रधान की उसमें ना हो पाए तो उसका भी मैं करूँगा जी। जैसा कि आपको पता है मेरा आखिरी और अंतिम सवाल यही है जिस पर अब मैं बात करने वाली हूँ। जी मैम, अब पूरे देश में क्या काफी पूरी लगभग पूरी ही दुनिया में कोविड नाम की एक बीमारी चली हुई है। जी मैम, जो लॉकडाउन से पहले शायद इस वक्त से कम थी लेकिन अब उससे बढ़कर हो गई है जी। तो इसकी इसकी रोकथाम के लिए आपने ऐसे कौन से रुझान दिए हैं अपने गाँव की जनता को, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं जी, आपको अपने गांव की जनता को जागरूक करने का पूरा जो कहते हैं हक है या फिर उनको सुरक्षित रखने का, क्योंकि प्रधान का तो कर्तव्य ही यही होता है जी, अपने गांव की जनता को सुखी रखना जी, स्वस्थ रखना जी, और शिक्षित रखना। बिल्कुल मैम, आपने कोविड को लेकर ऐसे कौन से कार्य करे? मैम, कोविड को लेकर हमारा गांव पहले भी जागरूक था, क्योंकि पिछली बार से जब तक कोविड चला अब तक एक भी हमारे यहां पे कोई भी पेशेंट नहीं है मैम। अच्छा। फिर उसके बावजूद भी हम जो हमारे गांव के लोग जागरूक कर रहे हैं कि भाई स्वच्छ आज बाहर से आओ तो अपने हाथ वाथ साफ रखो, डिस्टेंस बना के रखो, ज्यादा अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो मास्क लगाओ, तो इस तरह के भी हम कार्य मतलब जो वो कर रहे हैं ना पंचायत, उसमें ये बात रख रहे हैं जी। क्या ये जो पिछली योजना आई थी जो पहले प्रधान रहे हैं जी, आपके गांव जी, आपसे पहले क्या उन्होंने सैनिटाइज करवाया था गांव को कोविड जो बीमारी आई थी देश में उस समय पे? उस समय पे सैनिटाइज तो नहीं हुआ पर शायद मास्क वितरण किए हो? मास्क वितरण तो करे थे जी। चलो, कुछ सोच कर ही उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया जी जी कोविड को लेकर भी जी। आप कुछ ऐसी बात हमारे कैमरे के जरिए अपने गांव की जनता से कहना चाहते हो, क्योंकि हमारे तो चैनल का नाम यही है फेस वार्ता, कैमरे हमारे और विचार आपके जी। आप कुछ ऐसा निवेदन या फिर कुछ ऐसी बात कहना चाहते हो अपनी जनता से? मैं जनता से बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड को देखते हुए साफ सफाई रखे और ज्यादा से ज्यादा सफाई पे ध्यान दे के और अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे गांव का भविष्य उज्जवल हो।